कोसी बिहार का शोक कोसी नदी जब शांत रहती है तो फसल लहलहाने लगते हैं किसानों के चेहरे खिल उठते हैं बच्चों की स्कूल की फीस जमा हो जाती है महिलाएं लालपान की बेगम की तरह इठलाते रहती है लेकिन यही कोसी जब गुस्से में आती है अपने कोस से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ती है तो तटबंध के अंदर बसे लोगों की सांसें थम जाती है सिर पर गठरी और हाथों में बचे कुचे सामान लेकर अंदर के लोग बाहर ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई युद्ध का मैदान रंगभूमि से बज उठा हो जी हां इस बार भी कोशी में तबाही का मंजर शुरू हो गया है बराज से लगभग छह लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इस बात की जानकारी मिलते ही तटबंध के अंदर फंसे और बसे लोग त्राहिमां की में आ हैं लोग अपने सामान को लेकर के बाहर भाग रहे हैं तटबंधों पर शरण ले रहे हैं लेकिन लोगों की जिंदगी में यह दर्द और जख्म नहीं मिटने वाला है भारत और नेपाल सरकार के बीच में जल संधि किया गया था जल संधि किए जाने के बाद उन्नीस से ये फाटक जो है आपको बराज जो दिख रहा है ये बराज का बनना शुरू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे उन्हीं के समय में नेपाल के राजा के साथ जल संधि हुई थी और उसके बाद बराज का बनना शुरू हुआ था जो लगभग नौ साल करीब में ये बनकर तैयार हो गया और उसके बाद से ये बराज यहीं पर अनवरत काम कर रहा है हालांकि कई बार इस बात चर्चा भी उठते रही है कि बराज की आयु 50 साल थी वो 50 साल पूरी हो गई है उससे एक्सीड चल रहा है बराज पे दबाव भी बन सकता है लेकिन अभी तक ये बराज यहाँ पर सुरक्षित है समय समय पर इसकी जो छोटी मोटी मरम्मत का काम होता है वो भी कराया जाता है और आज भी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का दबाव बढ़ गया है तो विभागीय कई सारे अधिकारी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं बांधों पर कैंप कर रहे हैं बांध पर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि कहीं भी, भी रहा रहा तो तुरंत ही वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम करते हुए खतरा को खत्म किया जा सके आइए जानते हैं कोसी बराज बनने से लेकर अब तक तटबंधों की कितनी बार सुरक्षा में चूक हुई तटबंध टूटे मरम्मत हुए लोगों के क्या दर्द हैं आने वाले वर्षों में कोसी में बाढ़ की समस्या और गंभीर हो सकती है नेपाल से आने वाले पानी को नियंत्रण करने के लिए नेपाल के भीमनगर में जिस बैरिज का निर्माण साठ के दशक में किया गया उसकी आयु तीस साल ही थी आयु सीमा समाप्त कर चुके बैरिज से अब पाँच लाख मात्र डिस्चार्ज आने पर ओवरफ्लो होने लगता है जबकि इसके का जो निर्माण किया गया था उस समय इसका डिजाइन नौ लाख क्यूसेक पानी के जल ग्रहण क्षमता पर किया गया था ऐसी परिस्थिति में अगर दूसरा बैरेज का कोई विकल्प नहीं है और अब अगर पानी का डिस्चार्ज बढ़ा नेपाल के तराई क्षेत्र में या फिर जल ग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होती है तो फिर सारे इंजीनियर के हाथ पांव फूलने लगते हैं जो कैसे बारिश को बचाया जाए कैसे बांध को सुरक्षित किया जाए दूसरी बड़ी समस्या यह है जो बांध की ऊंचाई तो हर बढ़ा दी जाती है सरकारों के द्वारा लेकिन दोनों बांध के बीच जो नदी का पेट है उसमें जो सिल्ट पंद्रह से बीस फीट जमा हो चुका है उसे आज तक हटाया नहीं गया है तो यानी नदी की गहराई नहीं बढ़ती है और बांध की ऊंचाई बढ़ जाती है तो बांध के बाहर रहने वाले जो पचास लाख एक करोड़ से अधिक लोग तीन चार जिलों के हैं मधेपुरा सुपौल खगड़िया आदि के तो उस पर एक आफत का बांध ये बनकर खड़ा है जब मिट्टी के बांध में ना तो बोल्डर का स्लोप लगाया गया है केवल ब्लैक टॉपिंग किया गया है और ऐसी परिस्थिति में एक्सेस सिल्ट जमा होने के वजह से अगर कोसी की धारा ऊपर से बहने लगेगी तो फिर उन आबादी का क्या होगा जो बांध के बाहर बसी हुई है बहरहाल कोसी के कहर से लोग कभी राहत पाएंगे या कि नहीं यह तो कहना मुश्किल है लेकिन यह ज़रूर है कि जिस तरह साल दर साल बाढ़ की तबाही इलाके में मचती है लोगों की ज़िंदगी और भी ज़्यादा परेशान होने वाली है सहयोगी सचिदानंद सरफराज और दिलखुश के साथ लोकल एटीन के लिए मनीष वत्स